अच्छा ये फला बंदा, मेरे तो भाई 3 लाख फॉलोअर हो गए हैं, तो ये 3 लाख फैंस हैं मेरे। अच्छा वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि वो 3 लाख जो हैं उनमें से वो 3 लाख जो हैं 235 और लोगों के भी हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो सबके एक ही म्यूचुअल फैंस चल रहे हैं। सो आई थिंक वो आप ना अपनी पर्सनल वर्थ को कई बार ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, और पर्सनल वर्थ के साथ साथ आप फिर अपनी पर्सनल पावर, पर्सनल स्टेटस, स्टार स्टेटस, सेलिब्रिटी स्टेटस, कम समहाउ गेट्स यू द रॉन्ग आइडिया, और ये एंड में आपके लिए नुकसानदेह। एंड में आपके लिए नुकसानदेह होता है। एक ये तो एक ऑब्वियस जो आप मुझे आपने सवाल किया था उसके हिसाब से है, उसके अलावा भी बहुत सी कबाहतें और बहुत से मसाइल हैं सोशल मीडिया और स्पेशली इंस्टाग्राम के साथ विच आर अदरवाइज। अच्छा वासे, आपके 2 डेकेड्स पे तो आप काम मुहित है, पहुंच गया तो ऑलमोस्ट अल्लाह हो ही गया है। जट एंड बॉन्ड से स्टार्ट किया, और जट एंड बॉन्ड जब आपका चल रहा था, फवाद आपके साथ जी, था, फवाद अहमद, हम बिलाल, हम सब लोगों ने इकट्ठे, तो वो दोस्तियां अभी भी बरकरार जी जी बिल्कुल। वो देखिए एक्चुअली जट एंड बॉन्ड के जमाने में था, हम सब लोग कॉलेज में थे, नए नए हम कॉलेज में गए थे, तो हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें से वो ड्रामा 3-1 साल 2 साल चला था। सो देयर वर लॉट ऑफ यंगस्टर्स दैट केम इन दैट प्ले, और बहुत से और लोग भी आए। अच्छा वो बहुत से लोग में से मेजॉरिटी, बल्कि आई थिंक हम 4-5 ही हैं जो स्टिक किए इस फील्ड से, बाकी चले गए अपनी अपनी लाइफ में, कोई कहीं चला गया, कोई लड़कियां थी वो कहीं और चली गई, शादी हो गई, प्रोफेशन में चली गई। तो हम 3-4 थे, मैं, फवाद, अहमद, बिलाल, आई थिंक हम 4 हैं जिन्होंने इसको एक्टिवली परसू किया और आज तक हम इस काम में हैं। तो वो दोस्तियाँ तो ऑफकोर्स हैं उस वक्त, कोई फर्क नहीं बना, मतलब फवाद उतना बड़ा हो गया है कि जितना पॉसिबल जी बिल्कुल इस मुल्क में हो सकता है जी, कुछ तो फर्क आया होगा। देखिए फर्क यही आया कि एंड एज अ राइटर यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, तो तुम्हें कुछ फील हुआ? मैं ये नहीं कह रही कि वो प्राउड हो गया या कुछ नहीं, हो नहीं, गया जी, होता क्या, देखिए सिर्फ ये नहीं कि फवाद बड़ा हुआ, मगर उसके साथ मीडिया बहुत चेंज हुआ हमारा। जिस जमाने में हम करते थे काम, हमने काम करते थे, ऐसा हमने स्टार्ट किया काम में, जट मॉन्ट का इंस्टेंस आप ले लें, 2001 फवाद फास से आ रहा होता था, मैं अपने कॉलेज से आ रहा होता था। अच्छा हमारे बीटा पे हमारे शूट हो रहे होते थे, हमारे पास गाड़ियां भी नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं होती थी, मुझे याद है मेरे घर पे एक गाड़ी थी, तो वो जिस दिन वो गाड़ी घर वालों से बच के मुझे मिल जाती तो वो बड़ा हमारा डे होता था कि आज तो अपनी गाड़ी पे आए हम, वरना कई बार हम ड्रॉप हो रहे होते थे, फवाद भी रक्षे पे आ रहा है, मैं भी रक्षे पे आ गया, ड्रॉप होया, एक्टिंग करने आए हैं जी, हमने एक्टिंग की कॉलेज आवर्स के बाद और फिर हम चले गए अपने घरों को वापस। दोस्त डेज के वॉक करके हम जा रहे हैं वो बेकरी से कुछ लेने के लिए, बीच में खुद ही स्पॉट बॉय भी नहीं था तो 3 लड़के खुद ही निकल पड़े सीन के दरमियान में कि यार आओ कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी कर आते हैं, यू नो, सो यू नो दोस टाइम्स। बट अब ऑफ कोर्स अदर देन बीइंग यू नो आपका स्टेटस बड़ा हो गया व्हाट एवर फाइनेंशियली अदरवाइज एग्जैक्टली, सो नाउ इफ ही हैज टू गो अराउंड विद 6 bouncers, I mean, I'm also seeing that day that he has to go around with 6 bouncers. I think what needs to be done is कि आपको खुद समझना पड़ता है कि यार you adjust it in your head कि ठीक है, दोस्त है वो इतना बड़ा हो गया है तो बस हो गया है। अब आपकी दोस्ती वो अगले इंसान पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उस तरह की रहती है नहीं रहती। सो वो हमारी है, हमने आपको जस्ट उसके मुताबिक कर लिया कि यार वो टाइम भी देखा जब हम बसों वैगनों में आए हैं, रिक्शों पे एक्टिंग करने आए हैं, आज अगर गाड़ी बड़ी हो गई है थोड़ी सी या बाउंसर साथ हैं तो ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर है। अच्छा, you are known for your sense of humor. और ironically और fortunately, you are known for that. Fortunately, yes, तो मजा को आगे रख के आप सीरियस से सीरियस बात कर जाते हो, कर सकते हो, ठीक है, ये ज्यादा आसान काम होता है। आपने अपने इस एबिलिटी को अपनी राइटिंग में, अपनी एंकरिंग में कितना यूज किया या करते हैं? काफ़ी यूज़ किया मैंने एंकरिंग में, तो अब जाके मुझे मौका सही तरह से मिला। अर्ली आई यूज़ टू डू होस्टिंग अवार्ड शोज एंड ऑल, लाइक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है आपको उसमें रखना होता है। ये जाहिर बात है कि बड़ा प्लेटफॉर्म था एंड देन द ऑडियंस वॉज टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माई गेस्ट, देर एक्टिव पॉलिटिशियंस एंड यू नो सेलिब्रिटीज़ भी हैं मगर पॉलिटिशियंस भी होते हैं बिल्कुल, देर MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, तो उसमें सैटायर का एलिमेंट उस तरह से ज्यादा एक्सरसाइज करने को मिलता है। और तो उससे पहले हल्का हल्का करता था जहां मैं हंस के जायका कर सकता था। अच्छा तो मुझे बताओ, पॉलिटिशियंस ज्यादा आसानी से अपना मजाक उड़वा लेते हैं या शोबिज के लोग? दोनों उड़वा लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए मजाक उड़ाने से ज्यादा मजाक
कर रहे होते हैं हम कर रहे साथ कर रहे ये होते बड़ा एक वो एज है इसके अंदर एक लेकिन पॉलिटिशियंस की तो आप काफी हजामत मनाते नहीं क्योंकि देखिए एक एक्टिव चीज है ना एक मुल्क चल रहा है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं अब अगर एक एक्टर होंगे हम और ऊपर से गलतियां इतनी करते हैं गलतियां भी हो रही हैं इवॉल्विंग सोसाइटी है इवॉल्विंग पॉलिटिक्स है तो यू नो देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर थिंग्स टू टॉक अबाउट एज कंपेयर टू सेलिब्रिटीज क्योंकि वो उस तरह से एक्टिव एवरी डे लाइफ में नहीं कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही उनकी एक ड्रामा होगा आप उस ड्रामे में बात कर लेंगे फिल्म होगी या फिल्म उस एक्टर से बात कर लेंगे मगर इधर तो एक बंदा एक पार्टी के साथ अगर कोई भी हो एफिलिएटेड है तो रोज कुछ ना कुछ वो कंटेंट दे ही जा रहे हैं आपको सो देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी ओवर देयर अच्छा अभी मैं आपसे चंद चीज़ों के नाम लूँगी या लोगों के नाम लूँगी आपने मुझे एक सेंटेंस में बस कुछ बताना है इनके बारे में या अल्लाह ओके भांड एक बहुत ही डिरोगेटरी टर्म जो कि 80s और 90s की कल्टीवेशन है फ्रॉम पंजाब मैं मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा मुश्किल है भांड के ऊपर मैं तो मजाक नहीं करूंगा ना मुनव्वर ज़रीफ मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 50 इयर्स इन कॉमिक उमर शरीफ साहब उर्दू के अंदर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नाम जो कि ह्यूमर से जुड़ा रहा है और स्टैंड अप एक्ट के मास्टर कराची और लाहौर के सेंस ऑफ ह्यूमर में फर्क कराची और लाहौर के सेंस ऑफ ह्यूमर में फर्क तो है बहुत ज्यादा है वो क्या है एक जुमले में बताएं एक जुमले में लाहौर वालों के पास सोचने का टाइम ज्यादा होता है इंडियन फिल्मों का सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे से बहुत बुरा है हमसे बुरा है अच्छा मैं अपने तई मैं पंजाबी हूँ अच्छा। और मुझे अपने तई एक ये ज़ोम है कि पंजाब का सेंस ऑफ ह्यूमर जैसा दुनिया में कहीं नहीं जी बिल्कुल क्या ये सही है क्या गलत है डू यू एग्री क्यों 100% क्योंकि एक देखिए कुछ लैंग्वेजेस के अंदर एक पंच होता है एक लय होती है पंजाबी के अंदर वो लय है पंजाबी जबान के अंदर जुगत जिसको वन लाइन कहते हैं इंग्लिश के अंदर जुगत का उर्दू में वो पंच नहीं आएगा बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो पंच आ जाएगा मगर फिर भी एक उर्दू एक नफीस जुबान है ना तो नफासत से ही एक चोक आता है और आप जितना भी करना मैं आई थिंक उमर शरीफ साहब इज़ द बेस्ट एग्जांपल जो कि उर्दू के ह्यूमर को मैक्सिमम उसके जिसे कहते हैं च्युइंगम को खींच के ज़्यादा नहीं हो सकता तो वो इतना ही खींच सकता है बस पंजाबी के अंदर एक लय है आप पंजाबी के अंदर जुगत मार लें उसका पंच ज्यादा आएगा पंजाबी के अंदर गाली देते हैं तो पंजाबी के अंदर आपको मजा आता है उर्दू में देके दीजिए वो गाली बिल्कुल सही बात है उर्दू में गाली देंगे तो जो कि नहीं देनी चाहिए गाली तो किसी हाँ। लेकिन आप पंजाबी की गाली अपने दोस्तों को भी दे रहे होते हो आराम से दे रहे होते हो आराम से मगर उसका पंच ज्यादा है ये भी एक नेचुरल चीज है पंच है तो है भाई लय है उसके अंदर अच्छा अब आते हैं फिल्मों की जी जी ठीक है आपने आप वही राइटर हैं जिसने जैक्सन हाइट्स भी लिखा जी जिसने वो पूरी बारात सीरीज भी लिखी सिवाय पहले वाले सीजन जी के, पहले आजर की बारात नहीं लिखा हाँ उसके बाद वाली सारी आपने लिखी आप लेकिन जैक्सन हाइट्स लिखने वाले से पता चलता है कि आप एक्सपेरिमेंटल चीजें भी लिख सकते हैं बट आपने कमर्शियल ही चीजें ज्यादा लिखी एज अ राइटर आपको लगता नहीं है कि सोशल चेंज लाने के लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटल हमें जिन पे काम करना चाहिए और अभी तक आपने नहीं किया अच्छा देखें मुझे एक्सपेरिमेंटल काम तो मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं पता एक्सपेरिमेंटल भी रिलेटिव वर्ड है यहाँ पे वो ड्रामे बनते रहते हैं एक्सपेरिमेंटल अगर तो एक्सपेरिमेंटल आप कहें उडारी और इस तरह के ड्रामे बीच में बनते हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे सोशल इश्यूज पे बन रहे हैं मेरे ख्याल से वो बनते रहते हैं जहाँ तक मेरे उसका ताल्लुक है वो स्टोरी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल थी कास्ट तो उसकी बहुत मेन स्ट्रीम थी नुमान एजाज आमना शेख मरीना खान अदील हुसैन तो एक बड़ी मेन स्ट्रीम वो तो देखे ना वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव हो गया एज अ राइटर जो आपकी आप समझते अच्छा, मैं बताता हूँ क्योंकि देखे इतना ज्यादा काम नहीं आ सकता ना एक वो बड़ा मेरे दिल के क्लोज था जब मैंने सोचना शुरू किया वो स्टोरी मैं बताना चाहता था महरीन के साथ बहुत डिस्कशन हुई मेरी उस पर फिर उसके बाद हर रोज तो नहीं आती ना आपको इतनी अच्छी स्टोरी या कोई इतनी डिटेल्ड स्टोरी या एक एंगल होता है आपका मुझे उस वक्त वो एंगल था मेरा ख्याल था आई ऑलवेज थॉट के अगर जैक्सन हाइट वॉर्स देखे उसके अंदर बड़े ग्रे कैरेक्टर्स थे बोथ द मेन वर वेरी ग्रे दे वर नॉट ब्लैक और व्हाइट जो हमारे ड्रामे में होते हैं कि विलन है तो विलन है मर्द है तो वो दैट वाज अ वेरी क्लोज टू रियलिटी प्ले रियलिटी तो वो मेरा एक पर्सपेक्टिव था मैं बताना चाह रहा था और मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये भी होता है ऐसा मर्द भी है कि अगर उसने शादी की हुई है और उसके बाद वो कोई और उसको पसंद आ गया वो मजबूरी के तहत शादी है
एक बड़ी एक एवरीडे लाइफ में वी आर वेरी ग्रे पीपल. दैट वाज माय पर्सपेक्टिव. तो वो मैंने करके देख लिया. वो ड्रामा कमर्शियली बहुत फ्लॉप हुआ था बाय द वे. तो ठीक है, वो भी मेरा एक रंग था जो मैंने दिखा दिया. बाकी डॉली की बारात एक और एंगल था. वो जिस तरह का वो ड्रामा था मैंने उसके हिसाब से वो लिख दिया. मगर जैक्सन हाइट जैसे ड्रामों की इतनी दैट वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ. आई मीन नॉट वो हम बड़े लकी थे मैरीन में कि हमारी सही उस वक्त मान गया. उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके ड्रामा शूट किया. कोई चीट वगैरह नहीं था. कुछ 40-45 दिन का शूट न्यूयॉर्क में कौन करता है. कौन करता और है? उस जमाने में उन्होंने कर दिया. और कास्ट तो हमारे पास ज़बरदस्त थी. तो वो एक दिल में बात थी. वो खुशकिस्मती थी कि वो बात कहने का मौका मिल गया. और देयर पीपल अराउंड हु काइंड ऑफ मेड इट हैपन. तो ऐसी फिल्में लिखने का दिल करता है वासे? ऐसी फिल्में अभी तो नहीं मेरा दिल कर रहा. अच्छा, दिल ही नहीं कर रहा. क्योंकि मुझे कहानी नहीं उस किस्म की कोई अपील कर रही. Okay. मेरे पास हैं कहानियां, मेरे पास देखें अक्सर होती हैं. मगर देखिए फिल्म के अंदर ना असल में जी बड़ा मसला ये है. मैं क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा सिनेमा इंडस्ट्री से ताल्लुक फैमिली की वजह से जी बिल्कुल एग्जैक्टली. तो वो बचपन में सुना सारी पाकिस्तानी फिल्में जी जी बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि दे हैव बीन दे वर इन दिस बिजनेस फॉर 70 इयर्स बिफोर पाकिस्तान एक्चुअली. तो मैंने ना बड़ा कमर्शियल एंगल देखा. फिर मैंने वो टाइम भी देखा कि जब सिनेमा ख़त्म हो गया, टीवी चल रहा था और फिर कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं था. तो मेरे ना कहीं बैक ऑफ द हेड मुझे प्रोड्यूसर बड़ा उस पर रहम भी आता है कि प्रोड्यूसर रहेगा तो फिल्म बनेगी.